एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. सो आज मैं कर रही हूँ व्लॉग एंड काफ़ी दिन बाद कर रही हूँ. आई थिंक मैंने वो जो साइक्लोन आया था उसके बाद से मैं सीधे आज व्लॉग कर रही हूँ. आई डोंट नो आपको कब मिलेगा. आई थिंक 3 दिन के बाद ही मैं व्लॉग मतलब एडिट होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद मैं 3 to 2 days के बाद ही अपलोड करती हूँ व्लॉग्स यूजुअली. सो येस, ओके. तो जो साइक्लोन आया था ना, उसमें कुछ मैसेजेस ऐसे थे मेरे पास DMs में, और मैंने अपनी ये प्लांट्स वगैरह का पिक्चर डाला था. तो पीपल वर आस्किंग मी, क्योंकि सबने देखा होगा कि भाई बहुत डैमेज किया है, ये किया है, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ ट्रीज गिर गए हैं एरियाज में, ये हो गया, वो हो गया, ये सब हुआ था. बट मैं आपको बताती हूँ, मेरी बैल्कनी का एक पौधा भी हिला नहीं था. मतलब लिटरली एक पौधा हिला नहीं था. हम लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे यहाँ पे काफ़ी ऐसे हैंगिंग्स नहीं थी. ये देखिए, ये आपको दिख रही है, हमने इवन ये लाइट तक नहीं हटाई थी. आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा. तो इसका रीज़न ये है कि हमने हर चीज़ इस तरीके से फिक्स करी हुई है, हर चीज़ इस तरीके से सेट है ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुंबई में रह रहे हैं एंड वी आर लिविंग इन 20th floor. एंड 20th floor में रहने के बावजूद, और हम रहते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो जो साइक्लोन था वो इसी डायरेक्शन का साइक्लोन था. एंड स्टिल हमारे घर में एक चीज़ गिरी नहीं है. उल्टा मेरे को फ्रेम्स हटाने की ज़रूरत पड़ गई थी, बट बैल्कनी का मैंने कुछ नहीं हटाया था. तो मैं उसका एक रीज़न बताऊंगी आप लोगों को. उन्होंने जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो विद इन 2nd day या 3rd day अपने आए थे ना वो बोलने के लिए. 2nd या 3rd day एक कोई आए थे, और उन्होंने ना हम लोगों को सबके घरों में जा रहे थे. वो सबको उन्होंने ये बताया था कि अगर आपकी बैल्कनी में कोई हैंगिंग टंगा हुआ है, पौधा टंगा हुआ है, या इस तरह से लगा हुआ है, होते ना लोग ऊपर से ऐसे टांग देते हैं हैंगिंग वाले स्टाइल में, तो वो अगर आपके बैल्कनी में टंगा हुआ है तो उसको नीचे कर लीजिए. तो मैंने पूछा क्या हो गया है, तो उन्होंने बोला नीचे बच्चे खेल रहे थे और किसी के घर का जो गमला है वो बचा है. मतलब लिटरली बिल्कुल इतने से उससे बचा था. तो वो जब हम लोगों ने सुना ना, तो विक्की ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि जो भी करना लेकिन ऊपर कुछ टांगना नहीं चाहिए. तो फिर हमने डिज़ाइन इस तरीके से किया था कि हमको ऊपर तो कुछ टांगना ही नहीं है. हमने कुछ भी एक भी चीज़ ऊपर नहीं हैंग करी थी. जो भी प्लांट्स थे सारे हमारे नीचे ही बेस पे हैं, ऐसे ऊपर हैंगिंग वाला नहीं है. इनफैक्ट ये वाली जो पूरी आप देख रहे हैं रैक, इस ये तो रैक हिली भी नहीं है, लिटरली हिली नहीं है. उसके बाद ये जो है ये हमारा इतना ये आयरन का है, तो ये काफ़ी हैवी है. तो ये भी इसका जो ये नीचे का है ना, ये देखिए कितना नीचे तक लटका हुआ है. ये देखिए, हाँ, अगर मैं इसको, ये जो प्लास्टिक वाले हैं ना, ये मैं अगर यहाँ लगाती ना तो ये ज़रूर टपक जाता, क्योंकि ये देखो ये कितना छोटा सा है, ये एकदम ऐसे है, तो ये टपक जाता. बहुत सोच समझ के ये सारी चीज़ें लगाई हुई है, तो कुछ भी हमको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. और इवन ये जो वॉल शेल्फ आप देख रहे हैं, इसमें से भी मुझे कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बहुत आराम से लगा हुआ था सब कुछ. इवन ये जो दिख रहे हैं प्लेट्स, ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आपने कैसे लगाई. ये नॉर्मल ड्रिल करा था मैंने बीच में, और उसमें कील में अटकाई हैं ये. तो ये भी कुछ नहीं ऐसे, ये दिख रही है आपको, इस तरीके से ये अटकी हुई है, सारी इसी तरीके से अटकी हुई हैं. तो कुछ हमको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टच वुड. तभी लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते होंगे आई एम श्योर पिंटरेस्ट वगैरह पे काफ़ी लोग डिज़ाइंस देख करके अपना बैल्कनी इंस्पिरेशन लेते हैं. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ फोटोज़ में अच्छी दिखती है, प्रैक्टिकल नहीं है. तो हमारा पर्पज़ ये था बैल्कनी डिज़ाइन करने का कि इट शुड बी प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ ना, जब साइक्लोन आया, बारिश हुई, ऐसी कोई सामान ही नहीं लगा है हमारे बैल्कनी में कि हमको वो हटाना पड़े बार बार, फिर उसको रखना पड़े. कोई कांच की ऐसी चीज़ नहीं है कि वो टकरा के टूट जाए या गिर के टूट जाए. कोई ऊपर हैंगिंग प्लांटर नहीं है कि वो किसी के सर पे नीचे गिर जाए. थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए चीज़ें, जो सिर्फ देखने में ही सुंदर ना हो, जो प्रैक्टिकल भी हो. थोड़ा डिजाइनर भी तो दिखा दो. हाँ, ओह, आर्किटेक्ट, यस, नॉट डिजाइनर. डिजाइनर मैं थी. हम लोग जब हमको ये पता चल गया था ना कि यहाँ पे ऊपर से, क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर रहते हैं यार, और सच में हम लोग नीचे बच्चे घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं. अब तो खैर नहीं घूमते, पर पहले तो ना हम लोग जब पीछे घूमते हैं तो उस तरफ वाले जो घर है उसमें कौन सा फ्लोर है, आई थिंक मुझे फ्लोर नहीं पता, बट ऊपर का टॉप 5 फ्लोर में से कोई फ्लोर है ना, जिसका हम प्रियंका और हम बोलते आ रहे हो कि गिरना जाए. मतलब लिटरली लोगों ने पूरे बैल्कनी खाली है, कोई प्लांट नहीं लगा के रखा, ऊपर 4 प्लांट टांग के रखे कॉर्नर में, वो भी इतने टॉप फ्लोर पे. जस्ट इमेजिन, वो भले ही आपके कितने भी मजबूत प्लांट हो, कुछ भी हो, जस्ट इमेजिन कि वो किसी के भी गलती से भी सर पे गिर गया या कुछ हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भाई इस चीज़ की. आज फिर से हमारा बना हुआ है वाटरमेलन जूस. अभी गर्मी है तो पियो. सो अभी कुछ नहीं, कुकिंग हो रही है अभी. आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी एंड आलू
प्याज और ये सब की सब्जी बना रही हूँ, नॉर्मल जो बेसिक सी होती है. ऑल्सो आई गॉट माई फ्राइंग पैन जो स्टेनलेस स्टील का, मैं आपको बोल रही थी कि मुझे फ्राइंग पैन की बहुत ज़रूरत है, बट मेरे पास 2-3 बार गलत आ चुका, और इस बार अगर गलत आया तो मैं गिव अप कर दूंगी. बट आई गॉट द परफेक्ट फ्राइंग पैन बोल रही हूँ, आई गॉट द परफेक्ट तड़का पैन. सो मैं अभी आपको बताती हूँ, पर पहले मैं फटाफट कुकिंग कर लेती हूँ. तो यहाँ पर जो है सारे पापड़ फ्राई हो गए हैं, इसको मैं रख देती हूँ. हम लोग ऐसे हफ्ते के लिए जो पापड़ होते हैं वो ऐसे बना के रख लेते हैं, खाना खाना पड़े तो बार बार नहीं फ्राई करना पड़े और बार बार ऑयल वेस्ट ना हो. तो ये ऑयल है, अब मैं इसको, ये 2 बार यूज़ हुआ है सिर्फ, अब मैं 2 बार से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ. है वो पूरी तरह से जल गई थी नीचे वाली, और इसके जो पीछे है ना, क्योंकि अभी बर्तन जो है वो विक्की कर रहा है, तो इसमें ये जो ब्राउन यहाँ पर नहीं ऑयल के मार्क्स हो जाते हैं, तो वो सब क्लीन कर रही हूँ आज मैं. बहुत कोई सोल्यूशन मार्केट वाला नहीं डाला है, सब घर की चीज़ें डाली हुई हैं, तो मैं बताऊंगी, वीडियो इसके बारे में ज़रूर आने वाला है जल्दी ही. और काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके जो स्टील के बर्तन हैं वो इतने चमकते कैसे रहते हैं, तो एक्चुअली रोज़ तो मैं नहीं क्लीन करती हूँ, लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, मेरे हाथ की ज़रूरत है उसमें, तब मैं उसको क्लीन करती हूँ. क्योंकि अभी विक्की कर रहा है बर्तन, विक्की की ड्यूटी रहती है, खाना मेरी ड्यूटी रहती है, उसको जब ज़्यादा काम रहता है तब मैं कर लेती हूँ, बट मेजरली विक्की ही करता है, ये सारी चीजें वो साफ नहीं करता है, तो इसलिए इनको मैं क्लीन कर रही हूँ. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. दिस इज एकदम परफेक्ट क्लीन. आपको यहाँ पर स्क्रैच मार्क्स दिखेंगे, वो इसलिए है क्योंकि जो करची वगैरह चला देते हैं उसकी वजह से जो होता है ब्राउन वो भी नहीं है. एंड ये देखिए, आप देख सकते हैं ये एक्चुअली वॉश करी है, और वो स्क्रैच मार्क्स जरूर है इसमें क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका है इस कढ़ाई को, बट इसमें हमारी कढ़ाई जो है वो क्लीन हो चुकी है. और अब नंबर आएगा इस दूसरी वाली कढ़ाई का, ये पूरी जल गई थी नीचे से, तो अब मैं इसको क्लीन करूंगी. ओके गाइस, आई जस्ट टुक शावर एंड शैम्पू एम्पू यूज़ कर लिया है मैंने. तो अभी ना मैंने कुछ टाइम से मैं नए शैम्पू ट्राई कर रही हूँ. आई बॉट दीज 2 शैम्पूज ऑफ फॉरेस्ट एसेंशियल. अब आप देख सकते हो ये जो है ना, ये मैंने 1 बार ही यूज़ किया हुआ है, एंड ये वाला ऑलमोस्ट, एक सेकेंड इधर से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इतना मैं फिनिश कर चुकी हूँ इसको ऑलरेडी. सो मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको. मतलब शैम्पू मैंने यूज़ किया है, एंड साथ में मैंने जो कंडीशनर है वो ये बायोलाज का यूज़ किया है. दिस इज़ अ डीप ट्रीटमेंट पैक. ओ माय गॉड, इनके पूरे कॉम्बिनेशन से मेरे बालों में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ. मुझे ये शैम्पू किसी ने रेकमेंड किया था, एंड मैं थोड़े डाउट में थी जब मैंने रिव्यूज़ देखे थे, क्योंकि काफ़ी सारे मिक्स रिव्यूज़ आए थे. किसी ने बोले थे कि उनके बालों में हेयर फॉल और बढ़ गया है, किसी ने बोला उनके बाल ड्राई हो गए, किसी ने कुछ. तो मैंने सोचा मैं ना थोड़ा शॉर्टर वर्जन जो मिनी पैक होता है वो लेकर के देखती हूँ. और इसको मैंने 4 बार यूज़ किया है, यानी इतना ख़त्म हो गया, मतलब 5 बार का है, 1 बार और यूज़ करूँगी ख़त्म हो जाएगा. जब इसका रिव्यू दूंगी ना, तो आप अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाओगे इनको खरीदने से, क्योंकि मेरे को हेयर फॉल हो रहा था. मैं आज आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी, और आज अगेन मुझे शूट करना है. जिस दिन शूट करना होता है उस दिन मैं ब्लॉग जरूर करती हूँ, क्योंकि उस दिन काफ़ी कुछ होता है करने के लिए. सो शूट करना है, तो जो मेरे को इंट्रो शूट करना है उसमें, और जो मेरा खुद का एक वीडियो है उसमें, तो मैं सेम टॉप पहन लूंगी. Let you know, yeah, now, no one's no more.
covered. Was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh, na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. So my video shooting is done और अब मैं फटाफट से जो मेरा सामान है वो सब रख रही हूँ. जो फैलारा मैंने मचाया हुआ है वो रखती हूँ. ओके, सो नाउ माय रूम इज़ कम्प्लीटली क्लीन. सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया है, बट अभी मैंने मेकअप नहीं रिमूव किया है, वो मैं आराम से रिमूव करूँगी. सो एक्चुअली दो तीन दिन पहले, हाँ दो तीन चार दिन हो गए, मेरे पास कुछ सामान आया था, तो मैं आपको वही शो करती हूँ कि क्या क्या आया था. सो एक्चुअली इफ़ आप लोगों ने, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ना कि रुचि विक्की किसने भेजा है, तो ये मुझे भेजा है निहारिका. उसका एक इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है शी क्रिएट्स मोमेंट. उसने कुछ और चीज़ें भी मुझे भेजी हैं, तो उसने ये मुझे गिफ्ट भेजा था, एंड ये उसने मुझे लिटरली गिफ्ट भेजा है, सरप्राइज भेजा है. वो मेरे पास आई हैं, तो एक तो आपको मैं बताती हूँ, उसने मुझे हमने ये ओपन चालू भी कर दिया है करना एक्चुअली. सो दिस इज़ दी कलर योर मूड मंडाला कलरिंग बुक, जो कि उसने विक्की के लिए स्पेशली भेजी है, एंड विक्की ने इसमें फिल करना भी स्टार्ट कर दिया है. ये देखिए, ये विक्की ने भरा है, और ये साथ में स्केच पेन्स भी भेजे हुए हैं ताकि हमको अलग से लेना ना पड़े. उसके बाद एक और कलरिंग मंडाला बुक भेजी हुई है, जो कि मेरे लिए भेजी हुई है, एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सी है ये वाली, तो ये मैं करूँगी, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है करना. ये काफ़ी ब्यूटीफुल सी की रिंग्स हैं. उसके बाद ये शायद बुक मार्क्स हैं, ये ग्रेटफुल, एंड देन ये दोनों बुक मार्क्स हैं. उसके बाद ये उसका लेटर है, एंड ये जो दो हैं ये दो स्टिकर्स हैं. और उसके अलावा जो उसने भेजा है ना, वो मैंने अपने फ्रिज पे लगा भी लिया है. उसने लास्ट टाइम भी हमारे जो फ्रिज में काफ़ी सारे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये सब उसी ने भेजा था, एंड अभी जो भेजा हुआ है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है. तो एक तो ये भेजा है, ये चार्ट व्हाट टू ईट वाला, जिसको मुझे भी फिल करना है, एंड काफ़ी सही है. यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, वीक ऑफ, और क्या क्या कब कब खाना है वो आप इसमें लिख सकते हैं. ग्रीनरी बनी हुई है, एंड ये बहुत ही क्यूट क्यूट से मैग्नेट्स भेजे हुए हैं. सो वैसे तो मैं निहारिका को थैंक यू बोल चुकी हूँ, बट एक बार और फिर से थैंक यू निहारिका, आई लव ऑल द गिफ्ट्स. उसके बाद जो मेरे पास तड़का पैन आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ. ये रहा मेरा तड़का पैन, दिस इज अमेजिंग. इतना सही क्वालिटी का तड़का पैन आया है ना कि मैं क्या बताऊं. और ये चमक तो इतना रहा है कि ऐसा लग रहा है बर्तन है या दर्पण. और दूसरा मैंने एक ये बापरी की बहुत हैवी है ये मंगवाया है. ये है, दिस इज कास्ट आयरन, बहुत ज्यादा हैवी है, ये बहुत ज्यादा हैवी है. तो मेरे जितने भी यूटेंसिल्स हैं उसके ऊपर मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आ रही है दैट यू शुड मेक अ वीडियो ऑन की, क्योंकि व्लॉग्स में आते हैं, कॉमेंट्स आते हैं कि आपका ये कढ़ाई किसका है, आपका पैन किसका है, आपका ये किसका है. तो मेरे पास सिंगल एक ब्रांड का सब कुछ नहीं है, सब अलग अलग ब्रांड्स के यूज कर रही हूँ, और डेफिनेटली उनमें से जो मुझे लगता है कि बेस्ट ब्रांड है परचेस करने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो ये तो आज ही आया है, आज ही हमारे पास आया है, हमने उसको यूज नहीं किया है तो, बट क्वालिटी वाइज इसकी बहुत अच्छी लग रही है ये. सो यस, ये है, बहुत छोटे साइज का मैंने लिया है, मतलब ये मैंने एकदम मीडियम छोटे साइज का लिया है. ये मैंने इसलिए लिया है ताकि विक्की ना अपनी छोटी मोटी चीजें बनाता रहता है, जैसे ब्रेड एंड ऑल. तो आज का जो मेरा पूरा दिन था वो तो मेरा शूट में निकल गया. मैंने फटाफट दो शूट करे, अभी मुझे कल भी एक और शूट करना है. और बाहर का वेदर बताती हूँ. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. गुड मॉर्निंग एवरीवन. और ये थोड़ा टुकड़ों में ब्लॉग्स रहने वाला है, वैसे ऐसे ऐसा नहीं रहेगा सुबह से शाम तक वाला. तो अभी हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बन के रेडी हो चुका है. ये विक्की का है, एंड ये है पोहा. एंड अगर पोहा का नाम लिया है तो दैट मींस पोहा किसने बनाया है, हमारे यहाँ पोहा एक्सपर्ट है विक्की.
मतलब इसका जो पोहा है वो अगर आप लोग खाएंगे ना, सो ही मेक्स वन ऑफ द बेस्ट पोहास, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस कैफे का पोहा, तो मैं तो हाथ ही नहीं लगाती, मैंने आज तक पोहा बनाया भी नहीं आई थिंक, और मैंने जब कभी 2-3 साल पहले ट्राई भी किया होगा तो इतना पथेटिक बनाया था कि उसके बाद से मैंने कभी पोहा बनाया ही नहीं है, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ पोहा। ओके गाइस, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधे अभी मिल रही हूँ आपसे, 12:30 हो रखे हैं। तो एक्चुअली मैं कर रही थी अभी वैक्यूमिंग, और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि क्या हुआ ना, बादल हो रहे हैं, ऐसे क्लाउडी सा वेदर हो रहा है, और बारिश हुई थी, वो जो साइक्लोन हुआ था उसके बाद बारिश हुई थी, 2-3 दिन तक बादल रहे, अब एकदम से धूप आई है, कल भी बहुत तेज़ ऐसी सन आया था, सन बाहर आया था, तो कल भी बहुत धूप थी, आज भी बहुत धूप है, तो ऑब्वियसली बारिश होने के बाद जब धूप आती है ना ये गंदी वाली, तो इतनी सड़ी गर्मी पड़ती है, गर्मी नहीं पड़ती है, सड़ी वाली गर्मी पड़ती है, कैसी चिपचिपी वाली, मेरी पूरी बॉडी, मेरी पूरी शक्ल आप ऐसे ऐसे टच करेंगे तो आपको चिपचिपापन फील होगा, मतलब ऐसी वाली गर्मी अभी पड़ रही है। ऑल्सो आई मेड अ ब्यूटिफुल मैक्रेम आर्ट, मेरा मैक्रेम जो है वो अराइव हो गया था, मैं अपना फर्स्ट एवर मैक्रेम आर्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। डेंट डेंट डें, ये मैंने बनाया है। सो एक्चुअली क्या है ना, इसमें मेरे पास तो जो रिंग्स आती हैं, एक्चुअल वाली जो रिंग्स होती है ना, मेटल रिंग्स होती हैं वो, जिसमें ये बनाते हैं सब ड्रीम कैचर और मैक्रेम आर्ट्स वगैरह बनाते हैं, वो मेरे पास था नहीं, मेरे पास सिर्फ ये अवेलेबल था, ये वो है जो एम्ब्रॉयडरी रिंग्स होती है ना, कढ़ाई करने वाली जिसके अंदर फंसा करके आप करते हो, मेरे पास वो अवेलेबल था, तो मैंने देखी उसको यहाँ पर ये बांधा हुआ है, एंड ये जो कढ़ाई करने वाला जो ये हुक होता है ना यहाँ पे, ये मैंने निकाल करके इसको ऐसे जुगाड़ करके छुपा दिया है, तो ये बड़ा ही सुंदर सा मैक्रेम आर्ट हुआ है। ओके, नाउ इसका ना मैंने एक रील डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम एक हैंडल है जिसका नाम है स्टाइल योर स्पेस विद रुचि, जहाँ पर मैं डेकोर रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ, तो अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। एंड तो वहाँ पर ना मेरे को कुछ मैसेजेस आए थे, DMs आए थे, क्योंकि मैंने ये पोस्ट डाला था एक दिन पहले कि मैं इन प्रोसेस में हूँ, तो 2 दिन में बन गया था, तो 2-3 क्वेश्चंस इस तरह के थे जो जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते थे, तो उनके मैं आंसर्स दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या ये डिज़ाइन आपको पूरा जहाँ पर मैंने वर्कशॉप लिया है उन्होंने सिखाया है क्या, तो मैं आपको बताती हूँ, उस पूरे 4 घंटे की वर्कशॉप में हम लोगों को जो सिखाया जाता है वो सिर्फ मैक्रेम इज ऑल अबाउट यू नो नॉट, नॉट्स कैसे लगाई जाती है, एक उल्टी नॉट होती है, सीधी नॉट होती है, कंप्लीट नॉट होती है, एक नॉट ऐसी होती है कि आपको 2 बार लगानी पड़ती है तो वो एक नॉट कहलाई जाती है, तो इस तरह से नॉट्स का गेम है पूरा, ठीक है, तो वो नॉटिंग सिस्टम बताया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक तो एक पैटर्न मुझे हमको ये सेकेंड डे सिखाया गया था, ये हमको सेकेंड डे सिखाया गया था, और ये सेकेंड डे सिखाया गया था, बाकी जो फर्स्ट डे सिखाया था ना वो सिर्फ ये सिखाया गया था, ये सिखाया गया था, ये सिखाया गया था। होता है कि आपको ये बोल दिया जाता है कि नाउ यू जस्ट प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, तो आता जाता है, आपको नॉट समझ में आने लगती है तो फिर आपको समझ में आने लगता है, तो बस वही मैंने हिट एंड ट्रायल अपने दिमाग से यूज़ करके डिज़ाइन करके मैंने अपने मन से बनाया है पूरा। सो ये देखिए इस तरह से अगर ये मैं पूरा राउंड लगा बना देती ना ये वाला पैटर्न, तो ये जैसे मिरर नहीं होते जो मंडाला मिरर होते हैं, ये उस तरह का पैटर्न हो जाता, फिर मैंने ऐसे ऐसे करके सब बना लिया, ये उल्टी सीधी जो नॉट्स हैं ये करके अपने हिसाब से डिज़ाइन बना करके इसको बनाया है। सो आई एम रियली हैप्पी, दूसरा एक और प्लान कर रही हूँ बनाने का, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्कशॉप ही लेना है, ये आराम से ऑनलाइन भी इसकी काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप आराम से अगर आपको लगता है कि 1500-2000 रुपये आपको खर्च नहीं करने हैं तो आप ऑनलाइन भी इसकी क्लासेस ले सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी अवेलेबल है। आई जस्ट टुक शार, और विक्की ने भी शार ले लिया, शाम का शार अभी मैंडेटरी हो गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हम ये अंडर वाटर मालदीव की सैर कर रहे हैं। तो यस, आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।